देखा ही होगा कि कैसे सबको भगाया गया, चाइनीज सिपाहियों को भगाया है। तो बस हम लोग अपने को मतलब राष्ट्र के प्रति जोड़ना, देश के प्रति जोड़ना और अपने आप को समर्पण करना, वही मेरा धर्म है, वही। मेरा नाम डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। रुचि जी कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आई हूँ और सैल्यूट तिरंगा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राष्ट्रीय संयोजक। क्या कहना आज का जो आपका कार्यक्रम हुआ है, आज राष्ट्रवादी कार्यक्रम आपने जो किया है सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले, आपने जो कार्यक्रम किया इसके बारे में क्या कहना? सैल्यूट तिरंगा तिरंगे को सैल्यूट करता है, सैल्यूट तिरंगा देश के नागरिकों को सैल्यूट करता है और सैल्यूट तिरंगा देश के उन तमाम सैनिकों को सैल्यूट करता है जो अपने हाथ में तिरंगे को थाम कर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। लेकिन कहने का हम राजनीतिक पार्टियां उन सैनिकों को भी बदनाम कर रही हैं, चाइना बॉर्डर को लेके, चाइना की घुसपैठ को लेके। मैं किसी के क्या विचार हैं, मैं उस पर अपनी बात मैं अपने ढंग से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात मैं आपको याद दिलाती हूँ और वहाँ आप सबके जानकारी में है कि जिसके साथ भी हमारा पूज्य अमर तिरंगा था उसको उन्होंने, वो चाहे किसी भी देश का था, उन्होंने ससम्मान जाने दिया। मैं चूंकि कवित्री हूँ तो मैं कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, नयन खुदा चमन करते हैं गंगा देख लेते हैं और झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, वो जब भी सामने अपने तिरंगा देख लेते हैं। ऐसे पूज्य तिरंगे को प्रणाम कहती हूँ। कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो भी तिरंगे के साथ हैं निश्चित रूप से माँ भारती का आशीर्वाद उसके साथ है और हम तिरंगे के साथ हैं। हमारा जीवन, हमारी एक एक सांस, हमारे रक्त की एक एक बूंद तिरंगे के लिए कुर्बान है और हम प्रणाम करते हैं, आभार आप सबका व्यक्त करते हैं कि आपने तिरंगे के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरी छोटी सी लेखनी को भी स्थान प्रदान किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं असम से आई हूँ। मैं असम से आई हूँ। मेरा नाम रिया दास है एंड इट्स अ प्लेजर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे यहाँ में इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, यहाँ से असम से आके बहुत सीखने को मिल रहा है। ये एक एनजीओ है लेकिन यहाँ में आपने अभी पूछा कुछ पॉलिटिकल, हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, हम लोगों को सिर्फ राष्ट्रवादी संगठन है हम लोग, और हम लोग राष्ट्र के लिए, भारत के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर में सिपाही करते हैं, हम अंदर ही रह के क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा गया, इतिहास में देखा गया कि असम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे घुसपैठ हुआ है, उसको लेकर कानून भी बन रहा है, उस पे क्या सलूशन? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे असम के सीएम बहुत स्ट्रिक्ट है इन दिस केस, सारे बॉर्डर्स अच्छी तरह चेकिंग हो रही है, तो यहाँ में हम लोग पूरे वी आर टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स फॉर इंसर्जेंसी एज वेल। असम तो अभी बॉर्डर हो गया, अरुणाचल में आपने अभी पूछा, अरुणाचल में हुआ था वो, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे सबको भगाया गया, चाइनीज सिपाहियों को भगाया है, तो बस वही है। जो तवांग का जो सैनिकों का विषय था उस पर आप इनकी पंक्तियाँ सुनिएगा जिस समय वायरल हुई, आप उनसे आप लीजिएगा। मैं आगरा से आई हूँ और सैल्यूट तिरंगा की जिलाध्यक्ष हूँ सीमा भदौरिया। आज का कार्यक्रम जो हुआ है वो देश के ऊपर है, सैल्यूट तिरंगा। तिरंगा एक हम लोगों का मान सम्मान की बात है कि इस तिरंगे को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएँ और देश का सम्मान करें, क्योंकि एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र और देश, हम लोग अपने को मतलब राष्ट्र के प्रति जोड़ना, देश के प्रति जोड़ना और अपने आप को समर्पण करना, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। जब तक जिएंगे राष्ट्र के लिए जिएंगे, मरेंगे राष्ट्र के लिए मरेंगे। मेरा नाम मनवीर मधुरा है, मैं ओजस्वी गीतकार हूँ भारत देश का। क्या पंक्ति रही है जो तिरंगा सैल्यूट के? सैल्यूट तिरंगा तो पूरा विश्व से सैल्यूट कर रहा है, तो हम तो करेंगे ही। जहाँ तक चीन का जिक्र है, ये घटना अभी नहीं है कि ये पहली घटना है जो 9 दिसंबर को मार के भगाया उन लोगों को, पहले भी हो चुका है। रेजांगला एक जगह है जहाँ पर भारत के 124 बेटे तैनात थे 1962 के युद्ध के दौरान,
जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था, चीन के नियम के विरुद्ध 3,000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया सुबह 4 बजे। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। तो भारत का शौर्य शक्ति साहस पराक्रम तो पूरा विश्व वैसे भी जानता है, और अब जो हरकतें ये कर रहे हैं उस पर मेरा एक छंद है जो काफ़ी लोकप्रिय है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं चीन से कहना चाहता हूँ कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। बहुत बहुत आभार।